नमस्कार, मैं दिव्यांजलि मोइत्रा। मुरादाबाद के किसान वैसे तो ज्यादातर आम की बागवानी करते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इन्होंने नाशपाती की बागवानी शुरू कर दी। यहाँ के पत्थरनाक किस्म के नाशपाती की बाजार में खूब मांग बढ़ रही। मुरादाबाद बागवानी विभाग के उप निदेशक श्याम कुमार गुप्ता ने बताया कि यहाँ आम की बागवानी ज्यादा होती, जिस वजह से मार्केट में ज्यादा आम आ जाता है और किसानों को ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता। ऐसे में इन आम के अलावा दूसरे बागवानी वाले फसल पर काम करना चाहिए। आम के अलावा, और वैसे बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, मैं भी ये चाहूंगा, क्योंकि आम का एरिया काफी है। कभी कभी होता है क्या है कि आम मार्केट में एकदम से बहुत ज्यादा आ जाता है, कई किसान भाइयों का पूरा प्रोडक्ट आ जाता है, उसमें रेट भी डाउन हो जाते हैं। विविधीकरण बहुत जरूरी है बागवानी में, मतलब किसान को ये चाहिए कि आम के साथ साथ और भी जो बागवानी की फसलें हैं, जैसे आपका नाशपाती है, नाशपाती बहुत बहुत अच्छा उत्पादन दे रहा है, इन ऐसी फसलों को प्रमोट करना चाहिए। और हमारे वैज्ञानिक भाइयों ने इस संबंध में बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। पहले नाशपाती पहाड़ों में हुआ करती थी, क्योंकि नाशपाती का जो पौधा है उसको कम लगभग 60 दिन कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, माइनस में टेम्परेचर की आवश्यकता होती थी। ऐसी वैरायटियां केवल पहाड़ों में होती थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसमें काफ़ी प्रोग्रेस की है और ऐसी ऐसी वैरायटियां डेवलप हो गई हैं जो मैदानों में भी, यानी कि हाई टेम्परेचर में भी अपना उत्पादन दे रही है।